हे नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस कासियन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, दिल्ली में जो आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के स्कूल्स में टीजीटी और पीजीटी के कुछ विषयों पर गेस्ट टीचर्स की रिक्रूटमेंट देखने को मिली थी कुछ समय पहले, तो उसके मेरिट लिस्ट का प्रोसेस तो काफ़ी पहले से स्टार्ट हो चुका है। धीरे धीरे आपको सभी विषयों पर मेरिट लिस्ट देखने को मिल रही है जो इनकी नॉर्मल वाली मेरिट लिस्ट होती है। तो फिलहाल कल दोस्तों 11 तारीख को टीजीटी इंग्लिश की भी इनकी तरफ से मेरिट लिस्ट रिलीज़ कर दी गई है। इससे पहले भी कुछ विषयों पर मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई थी नॉर्मल वाली। तो आज की वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। बाकी दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो के स्पॉन्सर अनअकैडमी के बारे में आपको बता दूं। आप अपने टेट एग्ज़ाम की तैयारी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप सभी टेट संबंधित कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। प्रैक्टिस टेस्ट, बैच कोर्स, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, आपका संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में। और इसी के साथ एम SuperTET 2021 कंप्लीट बैच कोर्स जो कि आपका 13 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो जाएगा, इसमें आप जाके एनरोल कर सकते हैं, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और रीट प्राइमरी लेवल के लिए कंप्लीट बैच कोर्स जो आपका 11 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो चुका है, इसमें भी आप जाके एनरोल कर सकते हैं, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज फॉर CTET 2021 बाय हिमांशी सिंह, ये आपका 11 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक चलेगा शाम के 5 बजे, और ये बिल्कुल फ्री है, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप हमारे रेफरल कोड KasiyanTET का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्री लाइव क्लासेस, टेस्ट और क्यूज़ को अनलॉक करने तथा प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% डिस्काउंट पाने के लिए। ये आप टेट प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान्स देख सकते हैं 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स के लिए। इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट, ऑल बैचेज, 1 सब्सक्रिप्शन। अब दोस्तों, मेरिट लिस्ट देखने से होता है आपको दिल्ली सरकारी स्कूल में जो आपको गेस्ट टीचर्स की रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है, यदि आप उसमें पहले से अप्लाई कर चुके हैं, आपने इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई करा था, या फिर भविष्य में जो आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी आप उसमें अप्लाई करोगे, तो इससे आपको एक अंदाज़ा हो जाता है जिस भी विषय के लिए आप अप्लाई करने वाले हैं उस विषय में आपकी कितनी मेरिट जा सकती है, कितनी आपको ज़्यादा मेरिट देखने को मिल सकती है और कम से कम आपको कितनी मेरिट देखने को मिल सकती है। क्योंकि जो दिल्ली सरकार के स्कूलों में गेस्ट टीचर का रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है दोस्तों आपका मेरिट आधार पर ही होता है। अब मेरिट आपकी अकेडमिक रिकॉर्ड की देखी जाती है, तो आप जानते हैं मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ में आपको पहले बता चुका हूँ, जो आपके 10th के 12th के ग्रेजुएशन के, अगर आप PGT के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन के, बाकी BEd भी इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। तो इनके टोटल मार्क्स देखे जाते हैं, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों, अब आप अपने एकेडमिक रिकॉर्ड के हिसाब से अपने मार्क्स काउंट करोगे, जो आपकी मेरिट बनेगी, जितने आपके टोटल मार्क्स आएंगे उसे आप जो आपको ये मेरिट देखने को मिलेगी इससे मिला सकते हैं। तो इससे आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको मेरिट लिस्ट दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यदि आप इसकी होम पेज पर है तो उधर आपको पब्लिक सर्कुलर वाला ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं आपको डायरेक्ट ये वाला लिंक दे रहा हूँ ताकि आप डायरेक्ट इस पेज पर पहुँच सके, ठीक है। तो इधर जितनी भी इनसे संबंधित अपडेट होती है तो इधर ही अपडेट होता रहता है। तो बेसिकली इधर आपको फाइंड करना पड़ेगा, तो काफ़ी सारे नोटिफिकेशन इधर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब ये देख सकते हैं दोस्तों, ये हमें दिख गया, ठीक है। रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ स्कूल्स ऑफ द गेस्ट टीचर फॉर द पोस्ट ऑफ TGT इंग्लिश, ठीक है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे आप डाउनलोड कर लोगे इसकी लिस्ट, जो कि अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखा देता हूँ। और भी दोस्तों, अगर आपको सब्जेक्ट्स की देखनी है तो इधर आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, धीरे धीरे स्क्रॉल करके। अभी आप इधर देख सकते हैं, ठीक है। रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ द स्कूल ऑफ द गेस्ट टीचर ऑफ PGT कॉमर्स, PGT मैथ, PGT इंग्लिश और PGT इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इनकी लिस्ट आप इधर से चेक कर सकते हैं। तो जिस भी विषय की लिमिटेड ही दोस्तों सभी विषयों पर नहीं निकली थी हमें गेस्ट टीचर्स की रिक्रूटमेंट, और बाकी काफ़ी सारे विषयों पर निकल गई थी, तो उसका आपको इधर सारा का सारा अपडेट देखने को मिल जाएगा। इस तरह से आप इसमें फाइंड कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी TGT इंग्लिश की दिखा देता हूँ। ये इधर आप देख सकते हैं TGT इंग्लिश की है, बाकी 11/1/2021 को रिलीज़ की गई थी। तो गेस्ट टीचर्स की आप इधर देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको पता है किस तरह से एकेडमिक रिकॉर्ड देखा जाता है। बाकी कभी ये 10 में से कर देते हैं, कभी 20 में से कर देते हैं, अपने हिसाब से करते रहते हैं। लेकिन वही आपका TGT के लिए 10th, 12th, ग्रेजुएशन, BEd में आपके मार्क्स देखे जाते हैं, उसमें से टोटल आपकी परसेंटेज निकाली जाती है। और दोस्तों, जो ये लिस्ट निकली है इसमें ये नहीं है कि बिल्कुल जो फाइनल कैंडिडेट, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट उनकी लिस्ट है, ये स्टार्टिंग वाली नॉर्मल वाली लिस्ट है। जब भी गेस्ट टीचर्स के रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है उसके कुछ समय बाद आपको ये लिस्ट देखने को मिल जाती है। बाकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी जिसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट के नाम होंगे केवल, कुछ समय बाद आपको देखने को मिलेगी। तो आप इधर कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। यदि आप जनरल कैटेगरी के तो आपको देखिए स्टार्टिंग के जो सबसे पहले हैं इनके 88.966 इनकी परसेंटेज है, टोटल 100 में से जो निकाली है, और जो मैंने आपको बताया तो उस हिसाब से इन्होंने निकाली है। किस आपकी क्लास के कितने इन्होंने मार्क्स काउंट किए। तो इधर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी आपको स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगी, बाकी जैसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे अगर आप किसी अदर कैटेगरी से हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, तो उधर भी आपको इधर की लिस्ट देखने को मिल जाएंगी। ये देखिए जनरल का ही चल रहा है अभी तक, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के नाम है, तो सबका तो सिलेक्शन हुआ नहीं है, तो इसलिए नॉर्मल वाली लिस्ट होती है, इसमें बस आपको लिस्ट दे दी जाती है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह के लिए, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी में देख सकते हैं स्टार्टिंग 75.28 गई है, और बाकी आप जितने भी कैटेगरी की हैं, और दोस्तों आप जिस भी विषय की आप डाउनलोड करोगे सेम आपको ये सब में देखने को मिल जाएगा। अभी रिसेंटली जितनी भी इन्होंने मेरिट की जो भी इन्होंने लिस्ट अपडेट की है वेबसाइट पर, ठीक है। तो हर कैटेगरी की आपको अलग देखने को मिल जाएगी। बाकी काफ़ी टाइम ऐसा भी होता है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आपको अलग देखने को मिल जाती है, लेकिन इस बार जो इन्होंने रिक्रूटमेंट निकाली है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज ने निकाली, एक साथ ही निकाल दिए, तो इसलिए आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग से देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन जो लिस्ट होती है वो आपको इसी तरह से देखने को मिलती है। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए फटाफट से वीडियो को लाइक करें, और जो भी अभ्यर्थी दिल्ली में गेस्ट टीचर बनने की इच्छा रखते हैं तो आप उन अभ्यर्थियों को भी चाहे तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल केवल शिक्षक और भावी शिक्षकों के लिए ही। तो मिलते हैं अपने अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।